सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 4.3 प्रश्न 1 पार्ट 4th फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। बच्चों में पार्ट 4th में एक आयत की रचना करनी है OKAY, ठीक है, जिसमें OK भुजा 7 सेंटीमीटर होगी और KA भुजा 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। रचना करने से पहले बच्चों आप ये लिख लें, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं तथा इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। अब इस आयत की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रफाकृति बना लेंगे ताकि हम रचना आसानी से कर पाएँ। तो चलिए एक रफाकृति बना लेते हैं। रफाकृति किसी भी माप की आप खींच सकते हैं, ठीक है, इसको नाम दे दें OKAY। इसकी जो मापें दे रखी हैं वो लिख देते हैं हम। OK दिया है 7 सेंटीमीटर, KA दिया है 5 सेंटीमीटर। चूँकि बच्चों ये एक आयत है तो इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर, ठीक है। तो OK भुजा और YA भुजा दोनों बराबर हैं, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार KA भुजा और OY भुजा सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं हैं तो ये भी बराबर हैं, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका प्रत्येक अंतःकोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, सब कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है, 90। अतः OK बराबर YA बराबर 7 सेंटीमीटर यानी OK भुजा YA भुजा के बराबर है जो है 7 सेंटीमीटर, और दूसरी बात KA भुजा OY भुजा के बराबर है यानी KA बराबर OY बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर लिखेंगे कोण O बराबर कोण K बराबर कोण A बराबर कोण Y बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम रचना करेंगे। रचना करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे YA 7 सेंटीमीटर का, उसके बाद बिंदु Y पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और उसके बाद हम YO खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का और AK 5 सेंटीमीटर का। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों रचना करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, YA 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है जिसको आप स्केल की मदद से खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर का हमें एक रेखाखंड खींच लेंगे, इसको नाम दे देंगे YA 7 सेंटीमीटर, स्केल की मदद से हमने खींच लिया। अब बिंदु Y पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और बिंदु A पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बिंदु Y पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो रेखाखंड दिया है YA, इसकी आधी दूरी यहाँ तक हो जाएगी, इससे कम दूरी, आधे से कम दूरी आप प्रकार में इस तरह से भर लें, ठीक है, आधे से कम दूरी, अंदाजे से आप कितनी भी भर सकते हैं लेकिन वो आधे से कम है। Y को केंद्र माने, Y को केंद्र माने यानी प्रकार की नोक बिंदु Y पर रखें और एक इस तरह से चाप लगा दें जो रेखाखंड YA को काट दे, ठीक है, इतनी ही दूरी इसमें भरी रहने दें। अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखें यानी YA को इस चाप ने जहाँ काटा है वहाँ पर प्रकार की नोक रखें यानी इसको केंद्र माने और एक चाप सामने की ओर लगा दें। इस तरह से आप 60 डिग्री का कोण प्राप्त कर लेंगे, ये कोण ये वाला, ठीक है, ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है। फिर उतनी ही दूरी से एक चाप और लगाएं इसको केंद्र मानकर, ये, ठीक, फिर एक चाप सामने की ओर लगाएं और
अब इसको केंद्र मानें और एक चाप ये सामने की ओर लगाएं। जहाँ पर इन दोनों बिंदुओं चापों ने एक दूसरे को काटा वहाँ एक बिंदु रख दें और इस बिंदु को बाई से मिला दें, बाई से मिला दें, ठीक है। इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम बाई और ओ, बाई ओ रेखाखंड खींच लेंगे, कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो प्रकार में आप 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें। ये 5 रहा, ये ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर ली, ठीक है बच्चों। देख लें आप, बाई को केंद्र माने और इस रेखाखंड पर एक कट लगा दें, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु दे दें ओ, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाया वैसे ए पर बनाएंगे। इसको केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको केंद्र मानकर एक चाप ये लगाएंगे, अब इसको केंद्र मानेंगे एक चाप ये लगाएंगे और यहीं से एक चाप सामने की ओर लगाएंगे। अब इसको केंद्र मानेंगे और एक चाप ये लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहाँ पर एक बिंदु रखें और ए तथा इस बिंदु को आप मिला लें, ठीक है। हमने बाई ओ खींच लिया, अब हम क्या करेंगे, ए और के खींचेंगे, ए और के, जैसा कि आप देख सकते हैं ए और के, ए के की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में आप 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें, 5 सेंटीमीटर की दूरी आप भर लें, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और ए को केंद्र मानकर सामने की ओर, ए को केंद्र मानकर सामने की ओर एक कट लगा दें, ठीक है। इस बिंदु को नाम देते हैं आप के, और ये दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप बिंदु ओ और के को मिला लें, ये के रहा और ये ओ, ठीक, मिला लिया। बाई ए 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इस तरह से एक आयत प्राप्त हो जाता है ओ के ए बाई, जिसमें भुजाएं कौन कौन सी दी हैं बच्चों, ओ के 7 सेंटीमीटर, ओ के 7 सेंटीमीटर तथा के ए 5 सेंटीमीटर, के ए 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आयत है। आई थिंक बच्चों आपको ये रचना समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।